पालम विधानसभा के साथ नगर वार्ड 53S में कांग्रेस पार्टी से मेहरोली जिला के महासचिव ललित शर्मा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मेहरोली जिला अध्यक्ष राजेश चौहान भी उपस्थित हुए, जिन्होंने ललित शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जिला अध्यक्ष के साथ साथ पूर्व निगम पार्षद अनिल मित्तल, पूर्व निगम पार्षद सुरेशवती, ऋषि मृदुल और अमित शर्मा भी उपस्थित हुए, जिन्होंने ललित शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजेश चौहान ने भी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की बात कही और जिस तरह कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है उसको भी सभी के साथ साझा किया। पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं ललित भाई को और शुभकामनाएं भी विशेष तौर पर देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना जन्मदिन कांग्रेस परिवार के साथ, सभी बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे कांग्रेस परिवार के साथ आज उन्होंने जो जन्मदिन मनाने का फैसला लिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये सोच उनकी हमें महसूस होती है कि वो और उनका परिवार किस तरह कांग्रेस के प्रति आस्था रखता है। अपने जन्मदिन के अवसर पे सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद जो भी आज जो मेरे कांग्रेस के परिवार ने जो मुझे इतना प्यार और सम्मान और ये दिया है इससे मैं अभिभूत हूँ और मुझे खुशी है कि मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी पार्टी जिसको मैं अपनी दूसरी माँ समझता हूँ उसके लिए मुझे कुछ करने का अवसर मिला। सारे भाई हम साथ एक साथ बैठे विचार विमर्श किया। आज हमारे पास हजारों मुद्दे हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने हमको दिए पिछले 7 साल के संघर्ष में। हम ये बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हम उन मुद्दों को लेकर अपनी जनता के पास जाएँ जो हमारे जिला अध्यक्ष पिछले मैं उनको देख रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे हमारी टीम के सदस्य जितने भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं वो हम घर घर जाएं मुद्दों की बात करें तो पार्टी अपना मजबूत हो जाएगी। खुद को मजबूत नहीं करना है, पार्टी को मजबूत करना है। ये पार्टी का काम है कि वो हमें मजबूत करे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ललित भाई जी का जन्मदिन है, पहली बात तो मैं इनको मुबारकबाद देने चाहता हूँ पूरे परिवार को जो ऐसा बच्चा उन्होंने किया है जो परिवार का नाम रोशन कर रहा है। दूसरी बात आपने किसानों की कही है, किसानों के साथ तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े क्योंकि महंगाई की मार है। तेल 200 रुपये लीटर, सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो रहा है, पेट्रोल 100 के पार है और इतनी महंगाई हो रही है जो जनता की कमर तोड़ रखी है। तो कांग्रेस तो गरीबों के साथ और गरीबों का हाथ, कांग्रेस तो भैया लगी रहती है।